गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर नेक्स्ट क्लास। आई होप आप सबकी जन्माष्टमी बहुत अच्छी रही होगी। सो अवर लास्ट क्वेश्चंस आर 7, 8 एंड 9। क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए छोड़ दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 4 और 6, तीन क्वेश्चन आपके होमवर्क में होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 6 एंड 10। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9, इसमें एक नया वर्ड आया है ऑफ, क्योंकि जो पहले क्वेश्चन थे उसमें ऑफ वर्ड नहीं था, इसलिए मैंने इन क्वेश्चन को अलग से समझाने के लिए लिखा है। सो आई रिपीट, बी ओ डी एम ए एस। जब भी कभी क्वेश्चन आए सिंप्लीफाई, सो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट जो वर्ड होना चाहिए, जो आपके माइंड में आना चाहिए, वो आना चाहिए बोर्ड मार्क्स। जब तक सिंप्लीफाई करोगे क्वेश्चन को, तब तक आपके क्वेश्चन में सिर्फ बोर्ड मार्क्स ही चलना चाहिए। इट मीन्स सबसे पहले ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, D फॉर डिवाइड, ब्रैकेट कौन सा भी हो सकता है, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्ट्रैक्ट। B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्ट। जब भी सिंप्लीफाई आए, सबसे पहले ये सारी चीजें दिमाग में आनी चाहिए। अब जो वर्ड पहले आ रहा है वही पहले सॉल्यूशन होना चाहिए। मतलब अगर ब्रैकेट है तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट। अगर ऑफ है तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, ऑफ। अगर डिवाइड है तो डिवाइड सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई, एडिशन। मतलब ये एक सीक्वेंस है कि आप इसी क्रम में इनको सॉल्व करोगे। सो यहाँ ब्रैकेट तो किसी भी क्वेश्चन में नहीं है, तो हमें बी से तो कोई भी मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्या आएगा, ओ। ओ मीन्स ऑफ, इसमें भी ऑफ है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो सबसे पहले हमें इन तीनों क्वेश्चन में एक साथ समझा रही हूं कि तीनों क्वेश्चन में सबसे पहले हम ऑफ को सॉल्व करेंगे। इन दोनों को, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई ही करना है, लेकिन अगर हमें ऑफ दिया है तो ऑफ का मतलब ऑफ को पहले सॉल्व करेंगे। मतलब ये नहीं कि मल्टीप्लाई और ऑफ एक जैसे हो गए, नहीं, ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है। तो 0.9 को जब 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम क्वेश्चन बाकी एज इट इज सिर्फ ऑफ वाले को सॉल्व करना है। ये ऑफ सॉल्व हो गया यहाँ पे, ये ऑफ सॉल्व हो गया यहाँ पे, और ये हो गया यहाँ पे सॉल्व। नेक्स्ट करना है डिवाइड, इसमें डिवाइड है, इसमें भी डिवाइड है और इसमें भी डिवाइड है। तो आपको नेक्स्ट क्या करना है, डिवाइड सॉल्व, देन मल्टीप्लाई, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, 8.5 डिवाइडेड बाय 1.7, लेकिन हमें डिवाइड पहले सॉल्व नहीं करना, प्लस 1.2, माइनस माइनस। देखो ये क्वेश्चन यहां तक तो एज इट इज है, 0.9 एक ऑफ 1.2। पहले हम इनको, अगर 12 को हम 9 से मल्टीप्लाई करें, 12 × 9 = 108। इसके साथ साथ मैं सॉल्व करने का तरीका भी बता रही हूँ, 12 × 9 = 108। 1 digit एंड 2 digit, तो 2 digit के बाद जब हम पॉइंट लगाएंगे तो हम मिलेगा 1.08। ये हो गया इतना सॉल्व। 85 और 17, 17 की टेबल में 18 आता है, सॉरी 85 आता है 5 टाइम्स। अब देखो सिंगल डिजिट के बाद यहां पॉइंट है और सिंगल डिजिट के बाद यहां पॉइंट है। अगर 8.5 में 1.7 का डिवाइड करिए तो पहली बार तो 1 पॉइंट से पॉइंट हट गया, क्योंकि दोनों में एक एक डिजिट से पहले था। और दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो 17 5, तो ये चेंज होकर किसमें हो गया, 5 में, प्लस 1.2, माइनस 1.08 एज इट इज। अब इन दोनों को पहले प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 6.2। प्लस के लिए तो पता होगा आपको कि पॉइंट के नीचे ही पॉइंट होना चाहिए। 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5.0। क्यों? क्योंकि हमें पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, 2 5 और 1 6, तो 6.2। माइनस 1.08, जब हम माइनस करेंगे तो हम ऐसे ही तो करेंगे, 6.2 माइनस 1.08। क्यों? क्योंकि पॉइंट के नीचे ही पॉइंट होना चाहिए। अब देखो यहां कोई वैल्यू नहीं है, हम 0 लगा देते हैं, 10 माइनस 8 12 सॉरी 2। यहां माइनस 1 हो गया था तो 1 बच गया, यहां 5 माइनस 1 सॉरी 5.12। ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो प्लस और माइनस में आपको ध्यान रखना है कि पॉइंट के नीचे ही पॉइंट होना चाहिए। जहां पॉइंट नहीं आ रहा हो, वैल्यू नहीं हो, वहां हम क्या लगा सकते हैं, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.5 × 4 − 25.5 / 2.5 of 2।
पहले ऑफ को सॉल्व किया, 5 आ गया, 25 इंटू 2 5 50, तो 5 हो गया, ये सेम टू सेम। अब हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे, देखो 25.5 डिवाइडेड बाय 5.0, पॉइंट से पॉइंट हटा सकता है, पॉइंट से पॉइंट हट गया। अब आप चाहो तो इसको 5 से कैंसिल कर लो, या फिर आप 25 से कैंसिल कर लो, सॉरी 25 से कैंसिल नहीं होगा, 5 से कैंसिल हो सकता है, ये 10 टाइम्स और ये 51 टाइम्स। अब आप ये सोच रहे हो कि मैंने 51 टाइम्स कैसे कैंसिल कर दिया, तो आप इसको डिवाइड करके देख लेना। अब ये 10 है, ये 51 है, 51 अपॉन 10, अगर हम एक जीरो हटाएंगे तो एक वैल्यू से पहले पॉइंट लगा सकते हैं, तो ये क्या बन गया 5.1। आई रिपीट, इसको आप चाहो तो डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हो, तो 5.1 मिलेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 10.0 माइनस 5.1 इक्वल टू 4.9। सेम जैसे ये क्वेश्चन किया वैसे ही है, पहले हमने ऑफ को सॉल्व किया, बाकी क्वेश्चन एज इट इज, देखो एज इट इज ए क्वेश्चन, सिर्फ ऑफ को सॉल्व किया। अब ये देखो डिवाइड है, अब हम किसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड को, 13/5.2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, काफी सारे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है आपको, अगर हम नीचे पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर जीरो लगाएंगे, अगर हम ऊपर पॉइंट हटाते हैं तो नीचे जीरो लगाएंगे। रिपीट कर रही हूं मैं, देखो ऊपर तो पॉइंट है नहीं और नीचे है एक वैल्यू के बाद पॉइंट, अगर हम नीचे पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो आएगा। अगर मान लो ये होता 1.3 और नीचे पॉइंट नहीं है, और अगर हम ऊपर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे जीरो आएगा। ये तभी करना है जब ऊपर और नीचे वैल्यूज में या तो एक जगह पे पॉइंट ना हो, नहीं तो पॉइंट से पॉइंट को कैंसिल करेंगे हम, ठीक है। जब हम इसको डिवाइड को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2.5 प्लस 0.192 प्लस 0.3, और इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 2.992, दैट इज अवर आंसर। सो योर होमवर्क इक्वल इज 4th, 6th and 10th क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। आज हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।